और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा की पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और शमशाबाद से बीजेपी के सूर्य प्रकाश मीना को 55,148 वोट अभी तक मिल चुके हैं, काउंटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह 45,779 वोटों के करीब पहुंच चुके हैं, बड़ा आंकड़ा है, बड़ी मार्जिन है। विदिशा की पांचों विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस स्वीप यहां पर विदिशा विधानसभा से काउंटिंग का अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, विदिशा विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के मुकेश टंडन 45,898 वोटों से आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ा मार्जिन। और बसौदा से बीजेपी के हरी सिंह रघुवंशी 48,102 मतों से आगे चल रहे हैं और कुरबाई से 146 में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पीछे है, यहाँ पे कांग्रेस से रानी अहिरबार पीछे चल रही है और हरी सिंह सप्रे आगे चल रहे हैं। सरवंश की बात की जाए 147 में बीजेपी के उमाकांत शर्मा फिर आगे निकल चुके हैं, बीजेपी के उमाकांत शर्मा 51,531 वोटों से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के गगनेंद्र रघुवंशी को अभी तक 34,000 ही वोट मिल सके हैं। और बात की जाए अगर शमशाबाद की तो शमशाबाद से बीजेपी के सूर्य प्रकाश मीणा को 55,148 वोट अभी तक मिल चुके हैं, कांग्रेस के सिंधु विक्रम सिंह को 45,779 वोट अभी तक मिले हैं और विदिशा की पांचों विधानसभा सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा विधानसभा से काउंटिंग का यह सबसे बड़ा अपडेट, लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं।